लो जी ख़त्म कर दिया उन्होंने, मैच ही ख़त्म कर दिया है। और इस तरह ये छक्के का इशारा हो गया और हम लोग बहुत बुरे तरीके से ये मैच हार गए। और मेरा कैच छोड़ा इसने हसन, अगर तुमने ये कैच पहले ओवर में नहीं छोड़ा होता ना तो अभी कुछ और सीन होता, और कुछ सीन होता। पहले ओवर में जो कैच छोड़ा, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। वो कह रहा उसका था, ये कह रहा इसका था। टिपिकल पाकिस्तानी हम लोग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? UPL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में आया हुआ हूँ और किट पहनी हुई है क्योंकि आज हमारा है क्रिकेट मैच और ये नाइट क्रिकेट मैच है, तो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, टूर्नामेंट है। आज आपको UPL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिखाते हैं और अपना ये मैच भी दिखाते हैं साथ में। अच्छा जी, शाम के इस वक्त 7 बज रहे हैं। ये UPL का जो है ये ग्रीन जो ऑस्ट्रोटर्फ वाला ये हॉकी ग्राउंड है, ये मेन क्रिकेट ग्राउंड है। सामने आपको लकी वन मॉल दिख रहा है और वो जो लाइट्स दिख रही है ना वो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ हमारा मैच हो रहा है। ये मेरी टीम खड़ी है सारी, दो जर्सीज हैं भाई। करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी प्रैक्टिस मैच से पहले, क्योंकि हम बन चुके हैं डीजल इंजन, हमें स्टार्ट लेने में ना ज़रा टाइम लगता है। तो ज़रा साइड वाली जगह पर आ गए और यहाँ से करेंगे हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। हमारी टीम की जो है ना वो बैटिंग चल रही है, पहला ओवर हो गया, खिलाड़ी चले गए हमारे, हम बैठे हैं, मेरी बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अगर बैटिंग आई ठीक है तो बॉलिंग करेंगे। यार ये सलमान भाई हैं हमारी टीम के और इंशाल्लाह ये मैन ऑफ द सीरीज होंगे। और साथ ये सुलेमान भाई बैठे हैं, सुलेमान भाई जो हैं वो बैट वैट अरेंज करके लाए हैं। सुलेमान भाई इंशाल्लाह आप मैन ऑफ द सीरीज हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस इंशाल्लाह हम भाई एक अच्छी होप के साथ यहाँ पर उतरे हैं ग्राउंड पे। अब देखना ये है कि क्या टारगेट हम लेकर आते हैं और कोशिश यही करेंगे कि बैटिंग भी अच्छी करें। हाँ। और बॉलिंग पे तो लोग मुझे मुरली धन भी कहते हैं और राउंड भी कहते हैं। अच्छा, या तो मैं मैच को हार लगा दूंगा या तो पार। फर्स्ट विकेट डाउन हो गई है हमारी। हसन भाई फर्स्ट विकेट डाउन हो गई, क्या कहेंगे? अच्छा जबरदस्त भाई, हमारे प्लेयर के ऑन हो गया सीन, दो छक्के लग गए, बैक टू बैक महराज भाई ऑन हो गए। ये देखो भाई हमारी टीम के सलमान भाई, क्या हालात चल रहे हैं जरा बताएं तो सही। हालात बहुत नाजुक हालात हैं और ये हालात तो ये है कि हमने अपनी कब्र को भी खोल दी है। हाँ, इसमें अभी थोड़ी देर बाद हम मिल जाएंगे। 6 आउट हो गए, 5 हो गए, मुझे लग रहा है सारे आउट। इनकी कारकर्दगी तो हमारी ख़राब ही रही और मैं 7वें नंबर पे आ गया और पहली बॉल को मैं टच नहीं कर सका, बट दूसरी बॉल से मैंने सिंगल स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए थे। और मेरे साथ आ गए थे मेरे दोस्त सलमान जो कि साथ साथ खेल रहे थे और मेरे पास सिंगल लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सलमान भाई ने एक छक्का मारा था जिसकी वजह से स्कोर हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ गया था और यूँ ही आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते मैंने इनिंग्स की लास्ट बॉल खेल के एक और सिंगल लिया। भैया बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की और सिर्फ 53 पे करें। मैंने मेरे ख्याल से कोई 6-7 रन बनाया है, नॉट आउट रहा हूँ, अच्छी बात है क्योंकि हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आई वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब बस बॉलिंग है, देखते हैं क्या होता है। पूरा स्कोर किया हमने। कसम यार पहले ओवर में आउट हो जाता, विकेट मिल जाती, 25,000 रुपए मैच विनिंग पे मुझे मिल जाते। कैच किसने छोड़ा है? तुमने छोड़ा है? मैंने कहा छोड़ा है कैच। बुरे हालात है भाई हमारी टीम के। अरे ये देखो उजैर रोक लो, एक और चौवा पड़ गया बॉस, बहुत मुश्किल मामला चल रहे हैं, ये तो 5 ओवर में ख़त्म कर देंगे हमारा मैच। मैंने पहले ओवर में कैच करवा दिया था लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। एक मिनट ये देखो हसन कैच है, हसन क्या कर रहे हो यार? हमारे दोस्त बस सलमान भाई का ओवर आ जाए
मुश्किल लग रहा है, दो रन चाहिए इनको जीतने के लिए। अलो जी ख़त्म कर दिया उन्होंने, मैच ही ख़त्म कर दिया है। और इस तरह ये छक्के का इशारा हो गया और हम लोग बहुत बुरे तरीके से ये मैच हार गए। और मेरा कैच छोड़ा इसने हसन, अगर तुमने ये कैच पहले ओवर में नहीं छोड़ा होता ना तो अभी कुछ और सीन होता, और कुछ सीन होता। पहले ओवर में जो कैच छोड़ा, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। वो कह रहा उसका था, ये कह रहा इसका था। टिपिकल पाकिस्तानी हम लोग। अभी ना पोस्टमार्टम होगा जो हर मैच के बाद होता है, लड़के लड़ते हैं भाई ये गलत खेला उसने गलत खेला। देखता हूँ अगर ऐसा कोई सीन होता रिकॉर्ड कर। सलमान भाई आप ही की परफॉर्मेंस रही है, आप ही ने मैक्सिमम स्कोर किया है। अब आप खाना खिला दो, जावेद नहरी खिला दो यहाँ से नज़दीक है। हाँ नहीं आपने भी छक्के टंटने करे, कश्ती डूब चुकी थी पूरे कंधे तक जो है कवर के अंदर हम डल चुके थे, सिर्फ चल जा रहा था। तो इस पर हम दोनों ने एमपी जी को जहाँ तक खेच सके खेच लिया। बाकी ये कि मैंने तो पहले बोला था कि हम कवर में उतरने के लिए तैयार हैं, कवर में उतरने टाइम हो गई है, ऐसा हिस्ट्री में जरूर कभी नहीं हुआ। बहुत रोना आ रहा है मैच हारने के बाद, लेकिन बेसिकली इन्जॉय किया। मेरा पर्सनल इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ को जो है ना इम्प्रूव करने का, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसे मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। हालांकि वक्त की जो है ना शदीद किल्लत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए ये टाइम निकाला और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इख्तिताम करते हैं इसका यहाँ पर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।